अखिल भारतीय नाहर बंधु जैन महासंघ के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष के नाहर बंधुओं का द्वितीय शिखर सम्मेलन आगामी 5 और 6 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश के मोहनखेड़ा तीर्थ पर संपन्न होने जा रहा है। जानकारी देते हुए महासंघ के मुख्य महासचिव अनिल नाहर एवं उपाध्यक्ष वीरेंद्र नाहर ने बताया कि नाहर बंधुओं के द्वारा आयोजित इस द्वितीय शिखर सम्मेलन में पूरे भारतवर्ष के 22 राज्यों के लगभग 3000 से ज्यादा नाहर बंधुओं के शामिल होने की संभावना है। मोहनखेड़ा महातीर्थ पर श्री अखिल भारतीय नाहर बंधु जैन महासंघ के कोर कमेटी सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम संबंधी विस्तृत चर्चा की गई। अति शीघ्र ही भारत के सभी नाहर बंधुओं को कार्यक्रम की सारी जानकारी प्रेषित की जाएगी। ज्ञातव्य है कि मोहनखेड़ा महातीर्थ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अतिशय जैन तीर्थ है। यहाँ आदि तीर्थंकर ऋषभदेव सहित 24 तीर्थंकर की अति प्राचीन मूर्तियां विराजित है। इसी के साथ ही श्रीमद विजय गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के तपोभूमि एवं निर्माण स्थली भी है। उनकी चमत्कारिक प्रतिमा भी यहाँ पर विराजित है। प्रतिवर्ष पौष सुदी सप्तमी को यहाँ विशाल मेला लगता है और पूरे भारत के लाखों भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस पावन स्थली पर नाहर बंधुओं के शिखर सम्मेलन को लेकर मध्य प्रदेश के नाहर बंधु खासे उत्साहित हैं। ज्ञातव्य है कि इस बार गुरु सप्तमी 13 जनवरी 2019 को आ रही है। मोहनखेड़ा तीर्थ से पवन नाहर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय मैं अनिल नाहर, महासचिव अखिल भारतीय जैन बंधु महासंघ। आज हमारे यहाँ श्री मोहनखेड़ा महातीर्थ पर एक कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस कोर कमेटी की बैठक के पीछे हमारा जो 5 और 6 जनवरी आगामी 5 और 6 जनवरी 2019 को हमारा द्वितीय शिखर सम्मेलन, नाहर बंधु का द्वितीय शिखर सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है, उसकी तैयारियों के जायजे के लिए हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के जो कोर कमेटी उसकी बैठक की। इसमें मध्य प्रदेश से इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नागदा, जावरा, खेतिया, धार इत्यादि जगह से यहाँ हमारे सभी बंधु एकत्रित हुए, और राजस्थान से उदयपुर, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। 5 और 6 जनवरी को जो हमारा ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसमें हम युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी और हम स्वगोत्र बंधुओं के विकास के लिए क्या करने जा रहे हैं वो सब यहाँ तय करेंगे। हमने विभिन्न कमेटियाँ बनाई है, जिसमें आवास व्यवस्था कमेटी, रजिस्ट्रेशन कमेटी, स्वागत समिति और उसके अलावा जो दूसरी कमेटियाँ हैं, जिसमें हम यहाँ कार्यक्रम, जिसमें मंच व्यवस्था है वो करने वाले हैं। 2 दिन के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर सुबह 8 बजे से कार्यक्रम, 5 तारीख को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम शुरू करेंगे। हम दिन में एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं युवाओं के लिए, जो हमारे युवा उद्यमी हैं उनके लिए हम एक एंटरप्रेन्योर सेशन रखेंगे। उस सेशन में हम युवा कैसे बिजनेस में आगे बढ़ सके उसको तय करेंगे। उसके पश्चात हमारा एक इनॉग्रल सेशन होगा। उस सेशन में हमारे जितने हिंदुस्तान में हमारे 26 जिलों में नाहर बंधु, 26 प्रदेशों में नाहर बंधु हैं, वो सब यहाँ इकट्ठे होंगे। हम स्वगोत्र बंधुओं के विकास की बात करेंगे। उसके बाद इनॉग्रल सेशन के पश्चात रात्रि को एक भक्ति संध्या का आयोजन होगा, जिसमें विशाल जी नाहर मंदसौर, श्रेणी जी नाहर चेन्नई और नाहर बंधु, नाहर सिस्टर्स जो कि भीलवाड़ा से, वो अपनी प्रस्तुति देगी। और उसमें हम कुछ सम्मान कार्यक्रम करेंगे, सम्मान समारोह करेंगे, जिसमें नाहर हमारे स्वगोत्र बंधुओं के जो विशिष्ट प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में तपस्या की है, अपने अपने क्षेत्रों में जिनका कई नाम है और जिन परिवारों से दीक्षा ले रखी है, हमारे नाहर बंधुओं में से जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका हम सम्मान करेंगे। तपस्या के क्षेत्र में मास खमण या उससे अधिक करने वाले, वर्षी तप करने वाले और उपदेहन तप करने वाले, उनका हम सम्मान करेंगे। दूसरे दिन सुबह का सेशन हमारा जो प्रारंभ होगा योगा और प्रार्थना से होगा। यहाँ आदरणीय बाबूजी विराज रहे हैं, श्री श्री ऋषभ जी महाराज साहब, वो अपना मंगलिक हमें फरमाएंगे। प्रार्थना सभा होगी, उसके पश्चात एक विशाल शोभा यात्रा, हम यहाँ लगभग 1 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकालेंगे। उसमें बैंड बाजों के साथ ऊँट, घोड़े, हाथी वगैरह रहेंगे और हम सभी नाहर बंधु एक ड्रेस में रहकर उसमें इकट्ठे होंगे, यानी हम यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता का परिचय देंगे। उसके पश्चात हमारा यहाँ एक अंतिम सत्र होगा, जिसमें हम नटशेल में डिसाइड करेंगे कि हम अपने स्वगोत्र बंधुओं का कैसे विकास कर सके, उनका कैसे उद्धार कर सके, कैसे उनका हम आगे बढ़ा सके, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनको हम कैसे बराबरी पर लाएं, इस प्रकार की चर्चा करेंगे। यानी नटशेल में जो 2 दिन का हमारा जो एक
अधिवेशन रहेगा, वो केवल इस बात पर फोकस करेगा कि हम स्वगोत्र बंधुओं को सबको बराबर रूप से कैसे लाया जा सके। इसमें हमारे हिंदुस्तान में जितने इंडस्ट्रिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े नौकरी पेशा वाले हैं, जितने बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले हैं, वो सभी यहाँ आएंगे। हमारे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय शायरजन साहब नाहर जो कि चेन्नई से हैं, हमारे कार्याध्यक्ष आदरणीय राजेश जी नाहर जो कि पूना से है, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र जी नाहर जो कि इंदौर से हैं, और बाबूलाल जी नाहर जावरा से हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन सब की एक कोर कमेटी बनी हुई है। वो कोर कमेटी और दूसरी स्वागत समिति इत्यादि इस पूरे सम्मेलन की रूपरेखा तय करेगी, और हम निश्चित रूप से जिस पवित्र भूमि पर यह सम्मेलन होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में पहला शिखर सम्मेलन हमारा कैशराजी में हुआ था अनिल जी नाहर के नेतृत्व में, और दूसरा फिर होने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है। पूरे प्रांत से, मध्य प्रदेश से इस आयोजन में लगभग 2100 से अधिक पार्टिसिपेशन सम्मिलित होने की संभावना है, जिसमें मध्य प्रदेश का पार्टिसिपेशन 800 से अधिक व्यक्ति इसमें प्रतिभागी होंगे, जो कि देश की उन्नति के लिए कारगर सिद्ध होगा। इस प्रयासों के लिए पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम आयोजित कर पाएंगे। आप सभी को जय गुरुदेव, जय जिनेन। मोहनखेड़ा तीर्थ एक बड़ा ही विशाल तीर्थ है, जो इस मध्य प्रदेश में आज की तारीख में सबसे बड़ा जैन तीर्थ के रूप में उभर कर पूरे वर्ल्ड में अपना नाम प्रसिद्ध कर चुका है। यहाँ परम पूज्य कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजा राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब की यह पुण्य भूमि है। यहाँ उनका समाधि मंदिर है, जिन्हें दादा गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, और यहाँ हर वर्ष गुरु सप्तमी का एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें पौष सुदी सातम के दिन, जिसमें लाखों गुरु भक्त पूरे भारत से नहीं अपितु भारत के बाहर से भी यहाँ गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ कहीं रहने के लिए बढ़िया एकदम सुंदर आवास व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, और राजेंद्र इंटरनेशनल के नाम से एक बहुत ही सुंदर स्कूल यहाँ पर आचार्य श्री ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने बनाया है। यहाँ 1500 गाय की एक सुंदर गौशाला है, और दादा गुरुदेव का यहाँ बड़ा चमत्कारिक स्थान है। इसलिए हम सभी नाहर भाई बंधुओं ने इस बार विचार विमर्श करके अखिल भारतीय नाहर बंधु महासम्मेलन, जिसे हमने नाम दिया है नाहर शिखर सम्मेलन, वो इस मोहनखेड़ा तीर्थ में रखने का सुनिश्चित किया है। तो मैं सभी नाहर भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को लेकर 5 एवं 6 जनवरी 2019 को मोहनखेड़ा महातीर्थ में पधारें, दादा गुरुदेव का दर्शन करें, और यहाँ मूल नायक दादा आदिनाथ दादा का दर्शन करें, और इस तीर्थ भूमि का आनंद लें, और गुरुदेव का आशीर्वाद लें, और हमारे इस नाहर महासम्मेलन को सफल बनाएं। और सभी नाहर भाई इस बार जरूर जरूर पधारें। आप सभी को नाहर महासंघ आमंत्रित करता है, निवेदन करता है, जय गुरुदेव, जय जिनेन्द्र। अधिवेशन की विशेषता यह है कि इससे पहले हमने केसरिया जी में यह अधिवेशन किया था, जहाँ लगभग 2200 नाहर परिवार के बंधु वहाँ पर आए थे, और हम इस बार ये सोच रहे हैं कि हम लगभग 2500 के ऊपर नाहर परिवार के बंधुओं का यहाँ पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसको बड़ी भव्यता से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और विशेषता यहाँ पर आने के बाद नज़र आएगी, हम जितना बोल पा रहे हैं वो विशेषता से बहुत कम है। यहाँ जब आएंगे तब पता चलेगा यहाँ की विशेषता क्या है, क्योंकि देखने के बाद यहाँ की चार चांद नज़र आएंगे, और ये नाहर महासम्मेलन आप सभी के सहयोग से सफल होगा। हाँ, सप्तमी कब आ रही है, कुछ है क्या? 13 सप्तमी, एक मिनट, हाँ ये बोल देना कि अगली गुरु सप्तमी 13 जनवरी को आ रही है।